वहीं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में बेगमगंज बस स्टैंड पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। क्षेत्रवासियों को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि विदिशा रायसेन सांसदीय क्षेत्र जनसंख्या समय से देश के बड़े नेताओं की कर्मभूमि रही है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि पहले भी शिवराज सिंह चौहान करते रहे हैं और आपके आशीर्वाद से अब भी करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य बनाया है और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जिताकर दिल्ली भेजना है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को बूढ़ी पार्टी बताया। मंगलसूत्र का योगी और मोदी से क्या लेन देना है? अच्छा भैया, योगी जी से मंगलसूत्र का लेने देना नहीं है। आप अंदाज लगाओ राजा राम के काल में क्या हुआ था। माता सीता का अपहरण हो गया जंगल में, लेकिन हनुमान जी से मुलाकात हुई राम जी की, और सुग्रीव के साथ सेना के साथ चले ढूंढने। और वो लड़ाई किस बात की थी? केवल सीता माता के मंगलसूत्र की तो लड़ाई थी, राम और सीता की जोड़ी मिलाने की लड़ाई थी, ठीक है नहीं थी? और अब राम भक्त हनुमान ने मंगलसूत्र के कारण से लंका लांग करके, हनुमान जी ने लंका जला के बताया कि बहन बेटी की इज्जत क्या होती है। हम उस संस्कृति के संवाहक।